कैम फैक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर नंबर 6 की। अगर कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज्म की लेक्चर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस की। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोलाइसिस की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हाइड्रोलाइसिस यानी कि हम बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स के रिएक्शन जो है वो हम वाटर के साथ करवाने जा रहे हैं, सही है ना। यानी कि यहाँ पे आपके पास इन केस ऑफ हाइड्रोलाइसिस आपके पास जो इनकमिंग लिगेंट होगा, क्या होगा? इनकमिंग लिगेंट होगा वो आपके पास क्या होगा? वाटर, सही है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिएगा मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जनरली हाइड्रोलाइसिस हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास ये मान लीजिएगा एक्स कोई जाने वाला ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं वाटर के साथ, सही है। सिमिलरली अगर इस कॉम्प्लेक्स की हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ तो उसको हम बोलते हैं अमीनोलाइसिस। दूसरा, अगर किसी सोलवेंट के साथ करवाते हैं उसको हम बोलते हैं सोल्वोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब यह है हम यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं वाटर के साथ, सही है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस जनरली हम यहाँ पे डील करेंगे, तीन तरीके से हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो अगर हाइड्रोलाइसिस की बात की जाए, ध्यान देना, हाइड्रोलाइसिस की बात की जाए तो बेसिकली जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है वो आपके पास मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब, जनरली आपने मीडियम कैसा ले रखा है, मान लीजिएगा आपने न्यूट्रल मीडियम लिया है, यानी कि हम पीएच 7 के ऊपर किसी भी कॉम्प्लेक्स की वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सही है। दूसरा, हमारे पास एक होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एक हमारे पास क्या होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, यानी कि वहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाने जा रहे हैं पीएच लेस देन 7, यानी कि यहाँ पे तो केवल वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे वाटर के साथ हम बेसिकली क्या यूज़ करेंगे, H+, यानी कि एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा, दैट इज़ बेसिक हाइड्रोलाइसिस। अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस की बात की जाए तो यहाँ पे पीएच आपका रहेगा ग्रेटर देन 7, यानी कि वाटर के साथ आपके पास आप यहाँ बेसिक मीडियम का यूज़ करोगे। तो ये हमें तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सही है ना। वन बाय वन एक एक को हम उठाएंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, सही है। और सीएसआर नेट के एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम में अभी तक हाइड्रोलाइसिस से जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो आपका फोकस किया गया है बेसिक हाइड्रोलाइसिस पे, सही है। तो सबसे पहले न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस सीखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात की जाए तो हमें मैकेनिज्म तो ऑलरेडी पता ही है। जनरली कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली फॉलो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम से थोड़ा सा मैकेनिज्म आपका डिफर करता है, वो बातें हम यहाँ पे सीखेंगे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस की बात करूँ, ध्यान देना, सबसे पहले न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने ना तो एसिडिक मीडियम लिया और ना बेसिक मीडियम, हम पीएच 7 पे किसी भी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ। तो सुनना जी, तो न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, सिंपली वही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास। जनरली मान लीजिएगा ये हमारे पास एक्स लिगेंट है, लिविंग ग्रुप है, और ये हमारे पास आपको पता ही है आपके पास क्या होता है TSL। इसमें सबसे पहली बात, जनरली न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस आपके पास, अगर न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है। तो जनरली ये SN1 टाइप मैकेनिज्म से जाएगा, दूसरा आपके पास ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाएगा। SN1 हमारा क्या होता है यहाँ पे, डिसोसिएटिव, और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। रिएक्शन की मोलिकुलरिटी बेसिकली यहाँ पे भी आपके पास क्या रहेगी, 1 रहेगी, यूनिमोलिकुलर है, SN1 है तो यूनिमोलिकुलर होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका इंटरमीडिएट जनरली स्क्वेयर पायरामिडल आपका एज ए इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये कहानी रहेगी। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा आपके पास, फर्स्ट स्टेप आपका जनरली यहाँ पे हम कहते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म RDS होता है, यहाँ से X आपका लिविंग X ग्रुप आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये X चला गया, तो ये स्क्वायर पायरामिडल एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ है, सही है। इनकमिंग लिगेंड हमारा वाटर था, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा इस पोजीशन के ऊपर अटैक कर जाएगा, सही है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा,
यानी कि एक्स यहाँ से एलिमिनेट हो गया और उसकी जगह आपका वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। तो बेसिकली किसी भी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन वाटर के साथ, जनरली उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, सही है। तो ये हमारा न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस था। अगर हम बात करें इसके रेट को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो जो जो फैक्टर आपने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में पढ़े थे वो सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे इन केस ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस सारे के सारे फॉलो करेंगे जो हमने डिसोसिएटिव SN1 में पढ़े थे। अगर हम रिवाइज करें इसके रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो बेसिकली आप पढ़ सकते हो, ध्यान देना यहाँ पे हम अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा था रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल टू लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो जाने वाला ग्रुप था ये था। और आपने कहा था यहाँ पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग, और क्राउडिंग में हमने एक बात और भी पढ़ी थी, कौन एंगल पढ़ी थी, फॉर फॉस्फिन लिगेंड, तो वो सारे फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। और जनरली यहाँ पे हमने एक बात ये भी पढ़ी थी, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ZTDs, इन कॉम्प्लेक्स में ZTD होगा, उनका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से रेट आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो ये सारे फैक्टर जो आपने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में हमने डिस्कस किए थे वो सारे के सारे फैक्टर यहाँ रोल प्ले करेंगे। या फिर ये भी कह सकते हो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई डोनर लिगेंड, पाई डोनर लिगेंड पे भी डिपेंड करेगा, जितने पाई डोनर लिगेंड होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के सेंटर के ऊपर ज़्यादा होगी और उतना ही मेटल का जेड इफेक्टिव कम होगा, तो रेट आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये सारी बातें की यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये सारी बातें आप पहले भी डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में आप पढ़ चुके हो। बेसिकली हमने यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस की बात की, तो रिएक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स विद वाटर, सही है। तो ये पहला केस था, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस के बारे में, तो ध्यान रखना वहाँ पे आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उसमें आपको याद रखना यहाँ पे भी रिटेंशन इन द कॉन्फ़िगरेशन होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें आपका रिटेंशन इन द कॉन्फ़िगरेशन होगा। और जो मिसलेनियस केस थे वो हम एक एक डिस्कस करते हुए जा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सही है। दूसरा, मान लीजिएगा हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है ML5, यहाँ पे हमारे पास लिगेंट है F फ्लोरीन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स है मान लीजिएगा N+4 रख देते हैं हम यहाँ पे, दूसरा है ML5, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिखा N+, ML5 यहाँ पे हमने ब्रोमीन लिखा N+, और ML5 आयोडीन लिखा हमने N+, ध्यान दीजिएगा। अब आप कह रहे हैं आपसे पूछा जाए इन तीनों कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस का रेट किसका ज़्यादा होगा, तो बेसिकली आपको पता है यहाँ पे आपके पास इनकमिंग लिगेंड वाटर होगा और लिविंग ग्रुप आपके पास हैलाइड होंगे। तो आपको पता है इन केस ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस अगर हम बात करें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म हो रहा है, SN1 हो रहा है, तो यहाँ हम सिंपली ये कहेंगे भाई जो हमारा रेट है, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, यानी कि जितना आपके पास लिविंग ग्रुप होगा, जितना आपके पास लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होगी, आपके पास जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रेट आपका क्या होगा, ज़्यादा। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप क्या बोलोगे, लिविंग स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, ऑफ द लिगेंड, यानी कि जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना ही रेट क्या होगा, ज़्यादा। तो न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस में तो कोई और फैक्टर आता है नहीं, सिंपल सी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं। अब हमें पता है कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप है, I- सबसे बढ़िया होता है, उसके बाद Br-, उसके बाद Cl-, उसके बाद F-। तो यहाँ पे न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस के रेट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपके पास रेट किसका हो जाएगा, फोर्थ, देन आपके पास थर्ड, और देन सेकेंड, और देन फर्स्ट, ये आपके पास रहेगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा एक और क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिएगा ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, मेटल है, मेटल के साथ PS3 का 5 है, और यहाँ पे हैलाइड है N+, मेटल है, मेटल के साथ आपके पास यहाँ पे POMe का थ्राइस, ये आपके पास यहाँ पे लिगेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे X N+, मेटल है PME3, ध्यान दीजिएगा 5X। अब आपको पता है न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस यानी कि इन कॉम्प्लेक्स की हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लीजिएगा इसका रेट कांस्टेंट आपका K1 आया, इसका रेट कांस्टेंट K2 आया, इसका रेट कांस्टेंट K3 आया, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाए कि बताइएगा तीनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपके पास
रेट का क्या इफेक्ट होगा कि बेसिकली यहाँ से पूछा जाए आपसे, बताइए हाइड्रोलाइसिस के रेट का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पे आप वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हो और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाता है, तो वहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हमारा जाने वाला लिगेंड तो सेम है यहाँ पे, सही है, तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ मेटल भी सेम है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज वो भी सेम है, तो यानी कि यहाँ पे हम स्पेक्टेटर लिगेंड की बात करेंगे, और स्पेक्टेटर लिगेंड में हम ये कहते हैं जनरली जो रेट होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्राउडिंग, और आपने देखा यहाँ पे सारे के सारे फोस्फीन लिगेंड दे रखे हैं, और वहाँ पे हम बोलते हैं कि क्राउडिंग इन केस ऑफ फोस्फीन लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोन एंगल, और यहाँ पे अगर इन तीनों लिगेंड के कोन एंगल की बात करें तो हमने पढ़ा था भाई कोन एंगल सबसे आगे किसका आएगा, PME3 का, उसके बाद POME का थ्राइस इसका आएगा, और उसके बाद PS3, यानी कि आपके पास यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर जो क्राउडिंग होगी वो क्राउडिंग सबसे ज़्यादा आपके पास किस में होगी, इन केस ऑफ PME3, तो कोन एंगल के बेसिस पे हम यहाँ पे क्राउडिंग डिसाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट सबसे ज़्यादा जो आएगा वो आपका क्या आएगा, K3 देन K2 देन K1, PS3 में आपके पास कोन एंगल सबसे कम होता है इसलिए उसको हमने लास्ट में रखा है, तो इस तरीके से हम क्राउडिंग से क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस आ जाता है तो वो सारे फैक्टर अप्लाई करेंगे जो हमने डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़े थे, सही है। इसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं ऐसे ही, क्राउडिंग से पहले भी हमने डिस्कस किया था इनकेस ऑफ डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, मान लीजिएगा आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोबाल्ट अमोनिया का 5, यहाँ पे क्लोरीन है +2, दूसरा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट अमोनिया को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पे अमीन लेके आ रहे हैं +2 कोबाल्ट, यहाँ पे हमने सेकेंडरी अमीन लिया है NHR2 का 5 Cl +2, और यहाँ पे हम बात करें कोबाल्ट NR3 टर्शियरी अमीन हमने लिया है। आपसे कह दें हम इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस का रेट पूछ ले, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसका K4 है, आपसे पूछा जाए बताइएगा, अरेंज करके बताइएगा किसका रेट ज़्यादा होगा, तो आपको पता है न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है, तो न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को अगर फॉलो करेगा तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता है रेट विल बी, अब देखो मेटल आयन सेम है, सब में +3 है, कोबाल्ट +3 है, लिविंग ग्रुप सब में क्लोरीन है। अब बात करेंगे स्पेक्टेटर लिगेंड की, और आपने पढ़ा है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म का रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्राउडिंग ऑफ द स्पेक्टेटर लिगेंड। अब आपको पता है टर्शियरी ग्रुप आया हुआ है तो ये ज़्यादा बल्की है तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन का एलिमिनेट होना है, डिसोसिएट होना, क्योंकि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में टाइप ऑफ एक्टिवेशन होता है डिसोसिएटिव, तो यहाँ पे डिसोसिएटिव ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, फास्ट होगा, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा रेट कॉन्स्टेंट कौन आएगा, K4 देन K3 देन K2 देन K1, इस तरीके से आपसे न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो कहानी थी न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस की, ध्यान दीजिएगा। अब देखो बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ध्यान दीजिएगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ये इंपॉर्टेंट है भाई, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस सुनना एक बार। अब जब आप न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस पढ़ रहे थे तो अब हम बात कर रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के अंदर अब हमारे पास कि अब हमें ये बात सीखनी है कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का रेट न्यूट्रल से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो सुनना जी, अगर हम बात करें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की तो इसमें क्या होता है, जनरली यहाँ पे हमारे पास H2O आएगा और जनरली हम एसिड की प्रेजेंस में हम ये लेते हैं, सही है। अब देखो थोड़ा समझना एक बार, देखो सबसे पहला पॉइंट, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आपके पास रेट को तब अफेक्ट करेगा, यानी कि H+ आप रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, वाटर हाइड्रोलाइसिस आप एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं, तो ये जो आपका रेट होगा रिएक्शन का उसको तब अफेक्ट करेंगे अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी एक बेसिक लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं जो जाने वाला लिगेंड है बोले तो लिविंग ग्रुप है, उसके पास प्रोटोनेशन की होने की टेंडेंसी होनी चाहिए,
तभी मैं उसको बोल रहा हूँ बेसिक लिगेंड, यानी कि आपके पास लिविंग ग्रुप के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि ये एच प्लस उसके साथ अटैच करके वहाँ पे आपके पास कंजुगेट एसिड की फॉर्मेशन कर लें। यानी कि द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विल बी अफेक्टेड बाई बेसिक बाई द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस विल बी अफेक्टेड इन एसिडिक मीडियम ओनली व्हेन द लिगेंड प्रेजेंट या फिर द लिविंग ग्रुप प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स मस्ट बी बेसिक लिगेंड, या फिर ये कह सकते हैं उस लिगेंड के पास प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी होनी चाहिए। सही है। अब इसके काइनेटिक एनालिसिस की बात करें, देखो एक एक फैक्टर हम अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे कि काइनेटिक से क्या एसिडिक मीडियम रेट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो हम सीखेंगे काइनेटिक से। सही है। तो अगर मैं इसके काइनेटिक्स की बात करूँ तो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। मान लिया हमारे पास एक एक कॉम्प्लेक्स है ML5, ध्यान देना, और ये हमारे पास एक्स लिगेंड जो अटैच है यहाँ पे, जो हमने एक्स लिगेंड हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये हमने कॉम्प्लेक्स माना है। सही है। और यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने +2 चार्ज रखा है, बिल्कुल समझने के लिए। सही है। एल हमारे पास कोई न्यूट्रल लिगेंड है और एक्स हमारे पास हैलाइड है, समझने के लिए ध्यान देना, सुनना ध्यान से। देखो कहने का मतलब इसके मैकेनिज्म में, आप देखो एक्स हमें पता है, एक्स हमें पता है, एक्स हमारे पास अगर हैलाइड है तो ये आपका बेसिक लिगेंड तो हो गया। बेसिक लिगेंड क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, बेसिकली हैलाइड के सेंटर के ऊपर आपको पता है जब मेटल के साथ बाइंड हो रखा है तो इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तो मेटल के साथ शेयर कर रखा है, लेकिन फिर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बचते हैं। सही है। तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको पता है एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे एच प्लस आएगा, क्योंकि डिफरेंस तो यही है, उसमें सीधा वाटर अटैक कर रहा था, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास H प्लस आएगा। और जब H प्लस आएगा तो आपको पता है ये H प्लस जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसमें उस लिगेंड के साथ जाके जुड़ेगा जिस लिगेंड का बिहेवियर बेसिक होगा, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगे। तो ये एच प्लस आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे ML5 एक्स एच की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, एक्स एच की फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। अब आपको पता था ये एज ए एक्स माइनस हैलाइड प्रेजेंट था, इसके साथ एच प्लस जुड़ गया है, तो आपको पता है एल हमने कोई न्यूट्रल लिगेंड मान के चल रहे हैं, एल हम न्यूट्रल लिगेंड मान के चल रहे हैं, ध्यान देना। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स में जब रिएक्शन होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो जो रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी रिएक्टेंट की होती है मेटल की, वही आपके पास जनरली प्रोडक्ट में बनता है। तो यहाँ पे +3 था क्योंकि x भी प्रेजेंट, x माइनस वन इज इक्वल टू +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी मेटल की, यहाँ पे आपके पास एक्स एच, अब आपके पास ये न्यूट्रल बन गया है, तो यानी कि यहाँ पे चार्ज हमें कितना रखना पड़ेगा, +3 ये आपके पास है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो यानी कि इन केस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस आपके पास पहला काम क्या होगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो जनरली बेसिक लिगेंड हो, जो इलेक्ट्रॉन एच प्लस ले सके। सही है। तो यहाँ पे आपके पास पहले जो स्टेप में जो फॉर्मेशन होगा वो आपके पास कंजुगेट एसिड की फॉर्मेशन होगी, ध्यान देना। आप सबने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा हुआ है कि भाई साहब हमारे पास मान लीजिएगा ये एसिड है, तो ये जब टूटता है तो H प्लस प्लस ए माइनस, तो जनरली हम कहते हैं ये एसिड है तो H प्लस देने के बाद ये इसका क्या बन गया, कंजुगेट बेस। मान लीजिएगा ये हमारे पास बेस है, मान लीजिएगा ये हमारे पास हम बी माना है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर है, या फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखें, ये H प्लस लेने के बाद आपके पास यहाँ BH बनेगा, तो ये इस बेस का H प्लस लेने के बाद ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास कंजुगेट एसिड की फॉर्मेशन होती है। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा यहाँ पे, दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा यहाँ पे, जो आपका कॉम्प्लेक्स ML5XH यानी कि कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड की फॉर्मेशन हो गई थी, इसके ऊपर आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा और यहाँ से ML5
वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से एक्स एच एलिमिनेट कर जाएगा। ये आपके पास होगा इसकी रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉर इन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से अगर काइनेटिक एनालिसिस की बात की जाए एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान देना, बेसिकली यहाँ पे ये वाला स्टेप तो डिसोसिएटिव है, क्योंकि आपके पास ये फिर से अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे तो ध्यान रखना एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी आपके पास किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जनरली डिसोसिएटिव को फॉलो करेगा। वही कहानी रहेगी, SN1 बनेगा, क्योंकि इसके आगे की कहानी वही रहेगी। आपके पास वाटर आ रहा है, न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस में करते हैं, बस इसमें जो पहला काम जो रोल अफेक्ट करता है वो आपका ये होता है, सही है, क्योंकि यहाँ पे एच प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एच प्लस ये काम करेगा, सही है। तो अब सुनना भाई, यहाँ पे SN1 रहेगा, वही आपके पास SN1 रहेगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का इंटरमीडिएट बनेगा और वो भी जनरली आपके पास स्क्वायर पायरामिडल बनेगा, वो सारी कहानी तो सेम रहेंगे। तो आपसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म पूछा जाए तो वही रहेगा डिसोसिएटिव, लेकिन एसिड के बिहेवियर की वजह से क्या अफेक्ट हुआ वो आपके पास ये बना, सही है। अब सुनना यहाँ पे, अब आपसे ये कहा जाएगा क्या ये एसिड रेट को अफेक्ट कर रहा है, तो हम इसकी काइनेटिक एनालिसिस में जाएंगे, क्या काइनेटिक में रेटला एक्सप्रेशन में आपके पास एसिड एच प्लस इन्वॉल्व हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम इसके रेट एनालिसिस की बात करते हैं तो ये कहा गया, ये ऑब्जर्व किया गया, ध्यान देना समझना एक बार भाई। अब मैं बात करता हूँ इसके रेट के एनालिसिस की, तो जब इसके रेट के एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो भाई सुनना, क्या ऑब्जर्व किया गया, रेट विल बी डिपेंड्स अपॉन K1 into complex प्लस K2 into कंजुकेट एसिड। ये जो आपके पास कंजुकेट एसिड बना है, यानी कि इन दोनों पे आपके पास ये डिपेंड कर रहा है। और सबसे खास बात ये है कि आपके पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है, पहले स्टेप के अंदर क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है। जनरली ये आपके पास लोरी ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट बना है, तो इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ है, तो यहाँ से हम के इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई के इक्विलिब्रियम को क्या लिखोगे। यहाँ पे आपके पास कौन आया है, कंजुकेट एसिड आया है, और यहाँ पर रिएक्टेंट में आपका कॉम्प्लेक्स आया है और इनटू एच प्लस आया है। तो जब हम यहाँ से कंजुकेट एसिड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बना के इक्विलिब्रियम, यहाँ से कॉम्प्लेक्स इनटू एच प्लस, कॉम्प्लेक्स इनटू एच प्लस। तो जब हम यहाँ पे कंजुकेट एसिड की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक में यहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन बनेगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का वो क्या बनेगा, रेट विल बी इक्वल टू K1 into complex into K2 into K equilibrium into complex into H plus। ये आपके पास रेट का एक्सप्रेशन बना। देखो फिर से देखो भाई, पहला स्टेप सबको पता है कि इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ, जनरली लोरी और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट से, ये एच प्लस था, यहाँ पे आपके पास बेसिक लिगेंड था, इसने आपके पास कंजुकेट एसिड बनाया, सही है। तो यहाँ पे इसके बाद आपके पास डिसोसिएटिव मैकेनिज्म होगा, SN1 होगा, वही कहानी जो हमने पहले न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस में पढ़ी, सही है। लेकिन अब हमें ये चेक करना था क्या एसिडिक मीडियम रेट को अफेक्ट करता है। तो जो ऑब्जर्व्ड रेट ला हमने यहाँ लिखा K1 into complex हमारे इनिशियल ये है और कंजुकेट एसिड आपका ये बना। जब हमने यहाँ पे कंजुकेट एसिड की वैल्यू पुट की तो हमारे पास फाइनल रेट एक्सप्रेशन ये आया है। तो यहां से रेट एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास H प्लस आया हुआ है, क्या आया हुआ है, H प्लस आपके पास आया हुआ है। तो यानी कि एसिडिक मीडियम आपके पास रेट को अफेक्ट करेगा, लेकिन कब करेगा, उसका एक ही आपके पास कॉन्सेप्ट है, एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस के रेट को तब अफेक्ट करेगा अगर आपके पास ये कहानी जनरेट होती है, और ये कहानी तब जनरेट होगी जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बेसिक लिगेंड प्रेजेंट हो। अगर बेसिक लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, अगर लिविंग ग्रुप के पास प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी नहीं है, तो कहानी आपके पास सेम रहेगी, यानी कि जो रेट आपका
न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस का था वही रेट आपका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का होगा। ये कहानी अभी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं विद एग्जांपल, सही है। तो ये स्टेप अगर जनरेट होता है तो ही आपके रेट एक्सप्रेशन में एच प्लस आएगा। अगर ये स्टेप ही जनरेट नहीं हुआ तो आपके पास वही कहानी सेम रहेगी जो हमने न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस में पढ़ा। सुनिएगा, अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, तो यहां से एक एक क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास दिमाग में एक लाइन लिख लेना हिंदी में, अगर लिविंग ग्रुप के पास प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी है तो ही एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस के रेट को अफेक्ट करेगा, वरना रेट आपका न्यूट्रल और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का सेम रहेगा। सुनिएगा, मैंने दो कॉम्प्लेक्स लिए यहां पे, कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ 5-6 अमोनिया है प्लस 3, और दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया कोबाल्ट अमोनिया और यहाँ पे मैंने क्लोरीन रखा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं, सही है। और हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स को पीएच लेस देन पीएच की बात की जाए, अब चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम में है। ध्यान देना, सबसे पहली बात पहले इस कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो पहले इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया पीएच 7 के ऊपर। कितने पे करवाया? पीएच 7 पे, यानी कि न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस। और दूसरा हमने करवाया पीएच लेस देन 7, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया और यहाँ पे हमने न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस करवाया। ध्यान देना, एक एक बात को समझना भाई। यहाँ पे देखो, ये हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से अगर हम बात करें इसमें देखें, पीएच 7 पे जब हम न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे तो रिएक्शन केवल किसके साथ होगी? वाटर के साथ। और यहाँ हमारे पास वाटर के साथ कौन आ जाएगा? एच प्लस। मान लीजिएगा यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट K1 आया और यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट K2 आया। अब हमें कंपेयर करना है रेट, K1 बड़ा होगा या K2 बड़ा होगा। तो ध्यान देना, आपके पास अब यहाँ पे देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ, न्यूट्रल में सिंपली अमोनिया को वाटर रिप्लेस करेगा। लेकिन जब एसिडिक मीडियम की बात करेंगे तो आप देखो, क्या कोबाल्ट के पास कोई ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है जिसके पास प्रोटोनेशन की टेंडेंसी हो? क्या अब यहाँ पे अमोनिया प्रोटोनेशन की टेंडेंसी रखता है? क्या यहाँ पे अमोनिया में बेसिक लिगेंड प्रेजेंट है? तो देखो, आप दिमाग लगाओगे, बिल्कुल आप दिमाग यहाँ पे ये लगाओगे कि अच्छा, अमोनिया तो हम पढ़ते हैं बेस का बिहेव करता है। नहीं भाई, अमोनिया के पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये फ्री अमोनिया नहीं है, यहाँ पे इस अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रखा है। और जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट कर रखा है तो इसके अलावा इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, यानी कि ये प्रोटोनेशन यहाँ पे नहीं कर सकता। और जब प्रोटोनेशन ही नहीं होगा, जब आपके पास कोई बेसिक लिगेंड ही प्रेजेंट नहीं है, क्या एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस के रेट को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन चाहे आप पीएच 7 पे करवाओ, चाहे पीएच लेस देन 7 पे करवाओ, ऑलवेज K1 विल बी इक्वल टू K2। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे मेंशन करके देता है तो आपको पहचानना है, सही है ना। चाहे पीएच 7 पे करवाते इस एग्जांपल में, चाहे पीएच लेस देन 7 पे करवाते, रेट क्या रहता बराबर। एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सुनना भाई। यहाँ पे देखो, मान लीजिएगा हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट अमोनिया का 5, और यहाँ पे मान लीजिएगा कोई भी न्यूट्रल लिगेंट है हमारे पास, यहाँ पे मान लीजिएगा कोई भी न्यूट्रल लिगेंट है, यहाँ पे एल न्यूट्रल लिगेंट है, यहाँ पे हैलाइड है, हैलाइड में भी हम मानते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ हमने +2 रखा, कोबाल्ट L5, यहाँ पे हमने फ्लोरीन की जगह हमने अब क्लोरीन रखा, तीसरा कोबाल्ट L5 यहाँ पे हमने ब्रोमीन रखा, और कोबाल्ट L5 यहाँ पे हमने आयोडीन रखा। ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं, और आपसे कह दे कि बताइएगा रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, बताइएगा रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, बताइएगा क्या ऑर्डर होगा रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस का? यहाँ पे चारों कॉम्प्लेक्स के ऑर्डर को अरेंज कीजिएगा। पहला कहे पीएच 7 के ऊपर बताओ, दूसरा आपको बोले पीएच लेस देन 7 बनाओ,
दोनों आपको बताने हैं, pH इक्वल टू 7 और pH लेस देन 7। अब जब हम बात करें pH 7 पे, बोले तो ये तो केस कौन सा हो गया, न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस। और अब आपको पता है न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप वहाँ पे तो फैक्टर वही पढ़ते हो जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये सब कहानी सेम है, मेटल सेम है, स्पेक्टेटर लिगेंड सेम है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, केवल कौन अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे, लिविंग ग्रुप। कौन अफेक्ट कर रहा है, लिविंग ग्रुप। और लिविंग बढ़िया ग्रुप कौन सा होता है, आयोडीन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पता है लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन होता है, आई माइनस, उसके बाद बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस। तो आप बिल्कुल बोलोगे, आप पहले भी कर चुके हो, जो यहाँ पे रेट का जो ऑर्डर बनेगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकेंड और देन फर्स्ट, ये आपके पास रेट का ऑर्डर बनेगा। अगर मैं पीएच लेस देन 7 की बात करूं तो हमें पता है अगर एसिडिक मीडियम आ गया तो आपके पास H प्लस जाके प्रोटोनेट करेगा लिविंग ग्रुप के साथ। और अब हमें पता है कि इन चारों में जो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, उनमें H प्लस की प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी जिसके साथ ज़्यादा होगी उतना ही रेट क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे कमाल हो गया, कमाल ये हुआ कि फ्लोरीन की जो H प्लस के साथ प्रोटोनेशन करने की टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन का नंबर आएगा, उसके बाद ब्रोमीन का नंबर आएगा और उसके बाद आयोडीन। यानी कि प्रोटोनेशन टेंडेंसी की अगर हम बात करें वो सबसे ज्यादा आपके पास किसकी हो गई, यानी कि HF जल्दी एलिमिनेट बनेगा, उसके बाद HCl, HBr और HI। कहने का मतलब यहां से जितना ज्यादा आपके पास यहां पे ध्यान देना, जितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिक लिगेंड प्रेजेंट होगा उतना ही प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और जितनी प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी लिविंग ग्रुप की ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस फास्ट होगा। तुरंत आपके पास H प्लस HF लेके पहले स्टेप में HF एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या बना, कहने का मतलब देखो यहाँ पे तो कहानी क्या थी, आयोडीन माइनस रेट ये था, एसिडिक मीडियम में रेट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे जो रेट बनेगा हाइड्रोलाइसिस का वो आपका सबसे आगे, वहां पे कौन था सबसे आगे रेट में, फोर्थ सबसे आगे था, अब कौन हो जाएगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ये कहानी आपके पास यहाँ बनेगी, सही है। तो यहां से आपने अभी तक एसिडिक मीडियम की बात की, तो एसिडिक मीडियम में जितने भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया भाई, यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो आपके पास लिविंग ग्रुप है उसके पास अगर प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी है तो एसिडिक मीडियम का जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस, सही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ध्यान देना एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल Fe साइनाइड का 6-4, ये आपके पास एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें यहां पे इन कॉम्प्लेक्स में, अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, अब देखो यहां पे मान लीजिए आपसे कह दे पीएच 7 के ऊपर रेट कांस्टेंट K1 है, बताइएगा Fe साइनाइड 6-4 pH लेस देन 7 K2 है। आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि बताइएगा क्या यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी कहने का मतलब अब साइनाइड है और एसिडिक मीडियम में साइनाइड के पास प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी रखता है क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल रहेगा, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा बताओ, K2 विल बी ग्रेटर देन K1। और वैसे देखो Fe+2 है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, और Fe+2D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जनरली D6 लो स्पिन हमारे पास इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनर्ट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे रिएक्शन होगी ही नहीं, होगी कैसी होगी, स्लो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पे रेट की कंपैरिजन की जाए तो यहाँ पे साइनाइड है तो साइनाइड भी जनरली प्रोटोनेशन की टेंडेंसी रखता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक बचा हुआ है,
तो यहाँ से हमारे पास कौन हो जाएगा, के टू शुड बी ग्रेटर देन के वन। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें आपको ये सब अप्लाई करना है। एक एग्जाम्पल और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ इसी टाइप के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न्यूट्रल और बेसिक हाइड्रोलाइसिस में ध्यान देना, समझना। तो यहाँ पे जो आने वाले पेपर हैं उनमें ये एग्जाम्पल आ सकते हैं, ध्यान देना। तीन एग्जाम्पल लिखता हूँ, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला तो अभी हमने लिखा Fe साइनाइड 6-4। दूसरा कॉम्प्लेक्स आपके पास यहाँ पे जो मेंशन है वो आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट Na3-5CO3 कार्बोनिलिकेंट है, मोनोडेंडेट का बिहेव कर रहा है यहाँ पे +1। दूसरा कॉम्प्लेक्स आपके पास ये है। और तीसरे कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए यहाँ पे, तीसरा कॉम्प्लेक्स भी अमोनिया का ही है, कोबाल्ट Na3-5 और NO2। ये तीन कॉम्प्लेक्स आपको मेंशन करके दे रखे हैं और आपसे इनमें पूछा जाए NO2-+2, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे Fe आपका किस में है, +2 में है। यहाँ पे कोबाल्ट आपका किस में है, +3 में है। और यहाँ पे CO3- है, C OO- ये रहेगा यहाँ पे। और ये जो लिगेंड, ये जो कॉम्प्लेक्स NO2- पे फॉर्मल चार्ज -1 होता है, तो यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 है। ये तीन कॉम्प्लेक्स आपको मेंशन करके दे रखे हैं। तो अगर इन कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इन सब कॉम्प्लेक्स में एसिडिक मीडियम का जो रेट होगा वो हमेशा न्यूट्रल से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ध्यान दीजिएगा, अगर इन तीनों कॉम्प्लेक्स में आपसे पूछा जाए pH = 7 पे रेट कॉन्स्टेंट और pH < 7 के ऊपर, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है, तो हाइड्रोलाइसिस की बात करेंगे तो सबके अंदर यहाँ पे साइनाइड है, इसके पास भी प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी है, यहाँ कार्बोनेट है, इसके पास भी है, और यहाँ NO2 है, इसके पास भी है। तो एसिडिक मीडियम का इन कॉम्प्लेक्स के लिए न्यूट्रल मीडियम से हाइड्रोलाइसिस का रेट हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है इन केस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, जो भी एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो भी हमने यहाँ पे काइनेटिक्स पढ़ी है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट विल बी डाटा बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वो आपका है डाटा बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, ध्यान देना, समझना एक बार, डाटा बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि नेट में पूछ चुका है 2-3 बार, तो इसलिए ये बातें भी नोट करनी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। सी पार्ट में 2 सवाल 4 नंबर के आपके हर बार आते ही हैं। आपसे कह रहा है, फिर पहले भी हमने आइसोमर पढ़ा था कोबाल्ट, फिर से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, EN का 2x, और यहाँ पे L लिगेंट है, X आपके पास क्लोरीन है, जाने वाला लिगेंट है, +2। यहाँ पे हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और जनरली एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो आपको पता है कोबाल्ट EN का 2x L, और यहाँ पे वाटर आ जाएगा। पहले भी हम इन रिएक्शन को पढ़ चुके हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, यहाँ पे आपके पास N पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है हैलाइड यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, एक्स आपका हैलाइड है, हैलाइड यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, तो यहाँ पे आपको पता है न्यूट्रल लिगेंट आया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एक बढ़ जाएगी। ये आपके पास रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की अगर बात की जाए, यहाँ पे जो आपको लिगेंट रिएक्शन करके देगा L, ध्यान देना। सबसे पहली बात, सवाल क्या देगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, कैसा है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, और आपको ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, जनरली इसकी ज्योमेट्री आपके पास सीस है, तो रेट तो हम कंपेयर कर चुके हैं, वही कहानी रहेगी जो पहले हमने पढ़ा था। इस कॉम्प्लेक्स में सीस है तो प्रोडक्ट भी हमेशा 100% क्या बनेगा, सीस। अब जो एल लिगेंट है, ये एल लिगेंट आपका क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान देना, एल लिगेंट आपका OH- हो सकता है, Br- हो सकता है, HCN- हो सकता है, N3- हो सकता है, L लिगेंट आपके पास ये हो सकता है, क्लोरीन Br और क्लोरीन हो सकता है, और NCS- और ये हो सकता है, और X लिगेंट आपके पास क्लोरीन है। तो इन सब के अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है ये भी आपके पास 100% सीस आइसोमर बनेगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास रिटेंशन इन द कॉन्फिगरेशन रहेगा। तो डाटा बेस्ड एग्जांपल था, इसको नोट कर लेना भाई, ये इसलिए नोट करवा रहा हूँ क्योंकि एक बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, फिर हमें लगेगा कि ये कहाँ से आ गया।
तो सिस आइसोमर है तो सिस का तो हमेशा 100% सिस रहेगा। एल आपका एक्स के सिस में प्रेजेंट है, एल ये होगा तो आपके पास एक्स आपका जाने वाला सी एल माइनस है और 100% सिस बनेगा। दूसरा, अगर इसके एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में अगर हम बात करते हैं, ट्रांस कॉम्प्लेक्स अगर आपको मेंशन करके देते हैं, क्या दे दे, ट्रांस आपको मेंशन करके दे देता है यहाँ पे बी आर माइनस भी आएगा, बी आर माइनस भी अगर ये ट्रांस मेंशन करके देता है तो उसमें हमें याद रखना है कि परसेंटेज ऑफ सिस कितना बनेगा और किस लिगेंड के केस में कितना बनेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब मैं यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में भी इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास, ध्यान देना, एल लिगेंड OH- माइनस है तो सबसे ज़्यादा 75% आपका सिस बनता है, 75% सिस बनता है। अगर एक्स आपके पास एल आपके पास NCS- माइनस है तो आपके पास 50-70% सिस बनता है। अगर यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन है तो ये आपका जनरली 35% सिस बनता है। अगर यहाँ पे आपके पास क्लोरीन आता है यहाँ पे बनेगा 50%, और क्लोरीन अगर आता है तो ये बनेगा 35%। ये भी डाटा बेस्ड है तो ध्यान रखना, यहाँ पे जनरली आपके पास आइसोमराइजेशन इन द प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? आइसोमराइजेशन इन द प्रोडक्ट, ध्यान रखना भाई। तो जब सिस आया तो 100% सिस बनता है, तो वहाँ बोलोगे रिटेंशन इन द कॉन्फिग्रेशन, और जब आपके पास ट्रांस लिया तो हमारे पास सिस का ये बनता है। सही है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी CSIR नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर एसिडिक मीडियम की बात होगी तो उसमें भी आपके पास कॉन्फिग्रेशन यही रहेगी। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस के मैकेनिज्म की बात होगी तो मैकेनिज्म तो आप तो डिसोसिएटिव बताओगे, लेकिन एसिडिक मीडियम में रेट कब अफेक्ट करेगा वो बात आपको याद रखनी है। सही है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, बेसिक मीडियम में हम बात करेंगे अब हाइड्रोलाइसिस की, ध्यान देना, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बेसिक मीडियम की बात की जाए, ध्यान देना, यानी कि कहने का मतलब बेसिक हाइड्रोलाइसिस की बात करेंगे अब हम। बेसिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब है हमारे पास कि रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं हम पीएच ग्रेटर देन 7 पे। सुनना भाई, तो जब हम पीएच ग्रेटर देन 7 के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे, तो आपको भी यहाँ पे एक एक बात से अगर हम यहाँ करें हैं, ध्यान देना, थोड़ा समझना एक बार। देखो, यानी कि बेसिक मीडियम में क्या होगा, अब हम पीएच ग्रेटर देन 7 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस में आपके पास क्या जनरेट होगा। तो एक एग्जांपल हम यहाँ कंसिडर करते हुए चलेंगे, बेसिक हाइड्रोलाइसिस के काइनेटिक्स की बात करेंगे, ध्यान देना। और जनरली यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अभी तक अगर एसिडिक पूछा जाए, न्यूट्रल पूछा जाए, तो आपके पास फॉलो करता है किसको, SN1CB को, सॉरी एसिडिक और न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस वो मैकेनिज्म को फॉलो करता है आपके पास SN1 को। सही है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस में इस मैकेनिज्म को समझना, जनरली यहाँ एक टर्म जनरेट होती है SN1CB। देखो, एक कॉम्प्लेक्स लेके मैं इस मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे और बिल्कुल आसान है। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा आपके पास, सुनिएगा भाई साहब, मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिया, कोबाल्ट के साथ 5 अमोनिया है, ध्यान देना, और यहाँ पे आपके पास एक्स है, कोई भी एक लिविंग लिगेंड हमारा एक्स है, और यहाँ पे +2 चार्ज, ये हम कॉम्प्लेक्स लेके चल रहे हैं। तो जैसे आपने पढ़ा, एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम का जो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है वो न्यूट्रल से कब ज़्यादा होता है, जब लिविंग लिगेंड के पास प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी हो। बेसिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ये कहते हैं कि आपके पास लिविंग ग्रुप को छोड़ के, किस ग्रुप को छोड़ के, लिविंग ग्रुप को छोड़ के, अगर आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, लिविंग ग्रुप को छोड़ के कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी एक प्रोटिक लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि उस लिगेंड के पास प्रोटॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही आपके पास बेसिक हाइड्रोलाइसिस का रेट न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस से ज़्यादा होगा। पहली बात, एसिडिक में तो क्या होना चाहिए था, लिविंग ग्रुप के पास प्रोटोनेशन की टेंडेंसी होनी चाहिए, या फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स में एक बेसिक लिगेंड होना जरूरी था।
बेसिक हाइड्रोलाइसिस के अंदर एक प्रोटिक लिगेंड होना जरूरी है कॉम्प्लेक्स में। और अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि प्रोटिक लिगेंड क्यों होना चाहिए, तो वो हमें पता चलेगा इसके मैकेनिज्म से, ध्यान देना। तो देखो, इसके सबसे पहले स्टेप में हमारे पास, जब हम इसकी काइनेटिक एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता है पहले स्टेप में हमारे पास कंजुगेट बेस है, OH माइनस है। तो पहले स्टेप के अंदर आपके पास जनरली जो बेस है वो आपके पास, जो ये कॉम्प्लेक्स हमने लिया है, X आपका लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे अमोनिया के अंदर आपको पता है प्रोटिक लिगेंड प्रेजेंट है। अमोनिया हुआ, वाटर हुआ, ये सब प्रोटिक लिगेंड है जिसके पास प्रोटोन प्रेजेंट होता है। तो जनरली यहाँ से आपके पास पहला जो स्टेप होता है उसमें आपका K इक्विलिब्रियम जनरेट होता है, इक्विलिब्रियम स्टेप होता है। यहाँ से ये बेस इस अमोनिया के एक लिगेंड से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो जब प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोबाल्ट NH3-4, एक आपके पास बन गया NH2 और यहाँ पे आपका X। और ये अब देखो NH2 माइनस बना है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर अब चार्ज मुझे कितना रखना पड़ेगा, +1। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपके पास NH2 माइनस है, हैलाइड पे -1 है, कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है, तो यहाँ पे भी +3 हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो पहली तो बात हमारे पास ये हुई, और ये आपका स्टेप है कैसा, इक्विलिब्रियम स्टेप। पहला स्टेप कैसा है, इक्विलिब्रियम स्टेप। दूसरे स्टेप के अंदर ध्यान देना, ध्यान से सुनना, दूसरा स्टेप यहाँ पे जनरली RDS होता है। दूसरा स्टेप आपके पास क्या होता है यहाँ पे, RDS। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, पहले स्टेप में इक्विलिब्रियम जनरेट होता है इसके मैकेनिज्म में अगर हम बात करें। दूसरा स्टेप जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, समझना है, यहाँ पे आपके पास कोबाल्ट NH3-4 NH2-। अब आपको पता है जो NH2- है ये आपके पास पाई डोनर लिगेंड बन गया है, क्योंकि NH2- कैसा है, अगर हमने पढ़ा था जनरली वाटर और अमोनिया का डी प्रोटोनेशन कर दे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पहले लेक्चर में जब लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ता है, यानी कि वाटर है, वाटर कैसा लिगेंड होता है, ओनली सिग्मा डोनर। अमोनिया कैसा लिगेंड होता है, ओनली सिग्मा डोनर। इसका डीप्रोटोनेशन करेंगे तो OH- बनेगा, इसका डीप्रोटोनेशन करेंगे तो NH2- बनेगा। अगर एल्कोहल की बात करें ROH का डीप्रोटोनेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे RO- बनेगा। तो ये सारे के सारे लिगेंड कैसे बन जाते हैं, जनरली पाई डोनर लिगेंड। तो ये आपके पास पाई डोनर लिगेंड बन गया है, यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर और है, ये आपके पास यहाँ कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्शन में जाएगा, मेटल के साथ इंटरेक्शन में जाएगा, और ये वाला स्टेप आपका RDS होता है। जनरली ये स्टेप आपका स्लो होता है, और इस स्टेप के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। और इंटरमीडिएट जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट अमोनिया इंटरमीडिएट क्या बनेगा, देखो यहाँ पे देखो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया 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 अमोनिया, यहाँ पे आपके पास जनरली सीएल की बात करूँ यहाँ पे एक्स हैलाइड है और यहाँ पे NH2- बना हुआ है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन पेयर इधर डोनेट करेगा तो यहाँ से एक्स आपका एलिमिनेट कर जाएगा, सही है। और जनरली ये पाई इंटरेक्शन में जाता है, और हमें पता है जनरली यहाँ जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो TBP बनेगा, क्योंकि TBP में पाई इंटरेक्शन पॉसिबल होता है एज कंपेयर टू स्क्वायर पाई मेटल। यहाँ पे आपके पास ये जनरली पाई इंटरेक्शन में जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेगा। और इंटरमीडिएट क्या बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पे बना रहा हूँ जो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, देखो यहाँ से तो आप क्या करोगे, कोबाल्ट NH3-4 और यहाँ पे आपका NH2, ये आपका इंटरमीडिएट बना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर वहाँ पे आपके पास +1 चार्ज था, तो यहाँ से जब यहाँ पे इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ पे ये आपका हैलाइड यहाँ से एलिमिनेट हो गया। यानी कि जिस ये स्टेप भी आपका कैसा था, जनरली डिसोसिएटिव, कैसा स्टेप था, डिसोसिएटिव। और जो इंटरमीडिएट बनता है, ध्यान देना, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, यहाँ पे बना रहा हूँ कोबाल्ट, यहाँ पे अमोनिया अमोनिया अमोनिया, चार अमोनिया है और एक आपके पास पाई इंटरेक्शन में कौन गया, NH2, ये आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट जनरेट होता है। और इंटरमीडिएट की बात की जाए तो इंटरमीडिएट कैसा बनता है, यहाँ पे TBP, कैसा बनता है इंटरमीडिएट, TBP।
तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास वाटर आएगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल आएगा और कोबाल्ट NH3 4 NH2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे आपके पास जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, ये आपके पास यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान देना, कोबाल्ट NH3 5 OH -+2, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। और ये वाला जो स्टेप होता है ये जनरली फास्ट होता है। और देखो इस स्टेप के अंदर आपके पास बेसिकली प्रोटॉन का ट्रांसफर भी होता है। प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, वाटर इसके साथ अटैक करेगा जो NH2- है, NH2- जनरली आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है NH2-। तो जैसे ही इसको H+ दिखेगा वाटर से, पहले H+ लेके किस में चेंज हो जाएगा, अमोनिया में, और जो OH- बचा वो इसके ऊपर अटैक करेगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा बेसिक हाइड्रोलाइसिस का। तो जनरली यहाँ पे तीन स्टेप मैंने यहाँ पे कहे हैं, जनरेट किए हैं, और तीनों स्टेप में आप क्या देख रहे हो, पहले स्टेप में इक्विलिब्रियम, दूसरा वाला स्टेप स्लो RDS, तीसरा स्टेप। और देखो यहाँ पे एक बात और सुनना, यहाँ पे ध्यान देना, समझना एक बार, यहाँ पे समझना, आपने यहाँ से ये जो अमोनिया है, ध्यान देना, इस अमोनिया ने यहाँ से OH- ने यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया। और जनरली हम ये कहते हैं किसी भी एसिड से अगर H+ डोनेट करता है, कोई भी अपना H+ डोनेट करता है, तो उसके बाद जो स्पीसीज बनता है वो क्या होता है, कंजुगेट बेस। तो यहाँ से अमोनिया ने अपना एक H+ दिया है, डोनेट किया है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बेस, क्योंकि जो आपके पास प्रोटीन लिगेंड था उससे एक H+ चला गया। तो यहाँ पे पहले स्टेप में कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हुई, दूसरे स्टेप के अंदर जो कंजुगेट बेस जो आपका RDS स्टेप था, स्लो स्टेप था, वहाँ से आपके पास इंटरमीडिएट TBP की फॉर्मेशन हुई, और तीसरा स्टेप आपके पास फास्ट था जिसमें प्रोटोन का भी ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि NH2- है यहाँ पे, ये तुरंत यहाँ से H+ लेके अमोनिया में चेंज होगा, OH- यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये सारी कहानी आपके पास यहाँ जनरेट होती है। तो अब आपको जो आपका इसके मैकेनिज्म की बात करें हम, ध्यान देना, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, देखो भाई समझना एक बार, यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलाइसिस के रेट के एक्सप्रेशन की अब हम बात करेंगे, यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलाइसिस के रेट के एक्सप्रेशन की। तो देखो कोबाल्ट, यहाँ पे मैं स्टेप लिख रहा हूँ, कोबाल्ट हमारे पास था NH3 5 और यहाँ पे आपके पास X+2, पहले स्टेप में के इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ और वहाँ से आपने बनाया कोबाल्ट NH3 का 4 कंजुगेट बेस X, ये आपके पास कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हुई, ये आपका इनिशियल कॉम्प्लेक्स था, सही है भाई। दूसरे स्टेप में आपके पास क्या बना, कोबाल्ट, इसको हम अगर इसी सीक्वेंस में हम लिखें, सेकंड स्टेप हमारा RDS था और यहाँ से आपका हैलाइड एलिमिनेट हो गया था, कोबाल्ट NH3 का 4 NH3 का, यहाँ से अगर हम बात करें NH3 आपके पास 4 है और यहाँ पे NH2, ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, ध्यान देना, और ये आपका कंजुगेट बेस बना। और यहाँ पे आपके पास फिर आपने इसके ऊपर वाटर का अटैक करवाया था, तो फाइनल आपके पास ये बन गया था NH3 का 5 OH+2, ये आपका फाइनल कॉम्प्लेक्स बना था, ध्यान देना, ये रिएक्शन थी जो अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा। ये वाला स्टेप RDS था। तो यहाँ से हम रेट की बात करेंगे, तो रेट हमारा RDS पे डिपेंड करता है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K × हमारे पास कंजुगेट बेस, ये आपका जो कॉम्प्लेक्स बना है हमारा कंजुगेट बेस था, सही है। तो देखो यहाँ पे मैकेनिज्म इसके बाद हमारा डिसोसिएटिव, कंजुगेट बेस फॉर्म्ड होने के बाद हमारे पास जो मैकेनिज्म चला है वो हमारा डिसोसिएटिव ही है। तो इस मैकेनिज्म को हम डिसोसिएटिव है तो SN1 तो बोलेंगे, लेकिन इसके RDS स्टेप में हमारे पास कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कंजुगेट बेस, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, SN1CB, क्या बोलते हैं, SN1CB। यहाँ पे अगर हम इसको और सोल्व करें, यहाँ पे अगर हम इस स्टेप में हम के इक्विलिब्रियम को लिखें, तो के इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होगा, कंजुगेट बेस प्रोडक्ट में है, रिएक्टेंट में कौन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे हमारे पास जो बेस इन्वॉल्व था, सॉरी OH- इसी स्टेप में इन्वॉल्व था OH-। तो यहाँ से कंजुगेट बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम कॉम्प्लेक्स
N2OH-. तो यहाँ से यहाँ पे अगर हम कंजुगेट बेस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेट का एक्सप्रेशन मिला, रेट का एक्सप्रेशन हमें क्या मिल जाएगा, K इंटू के इक्विलिब्रियम इंटू, यहाँ से हमें क्या मिला, कॉम्प्लेक्स N2OH-. ये हमारे पास यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन मिला। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो रेट है हमारा वो बेसिक मीडियम बेस पे भी डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने एसिड में देखा रेट आपका H+ पे भी डिपेंड कर रहा है वहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास ध्यान दीजिएगा, अब देखो SN1 क्यों बोला, यूनिमोलिकुलर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, CB कंजुगेट बेस, क्योंकि यहाँ पे RDS स्टेप में आपके पास कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कंजुगेट बेस। तो यहाँ से SN1 CB मैकेनिज्म में ध्यान रखना है आपके पास यहाँ पे। ओवरऑल अगर आपसे रेट एक्सप्रेशन आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बेस OH-. दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरमीडिएट बनेगा TBP, इंटरमीडिएट हमारे पास क्या बनेगा TBP, और जब इंटरमीडिएट TBP बनता है तो वहाँ पे आपको पता है कि आइसोमराइजेशन तो होता ही है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो जनरली अभी आइसोमराइजेशन प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात में कुछ एग्जाम्पल स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं बेसिक हाइड्रोलाइसिस के, जहाँ पे आपके पास आइसोमर की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जहाँ TBP इंटरमीडिएट बन जाता है जनरली वहाँ आइसोमराइजेशन होने के चांस होते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। तो ये सारी बातें आपको मैकेनिज्म बेसिक हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ से बेसिक हाइड्रोलाइसिस में ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करें यहाँ पे, ध्यान देना हूं। अगर आपसे पूछा जाए, सुनना एक एक बात समझना यहाँ पे, तो यहाँ से आपने पता चला कि SN1CB तो फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स, और वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू आपके पास किसके रेस्पेक्ट में आया, बेस के रेस्पेक्ट में आया, सही है। तो SN1CB भी में आपके पास इंटरमीडिएट जो बनता है वो TBP अरेंजमेंट का बनता है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस का हमें सोल्व करना है तो वहाँ हमें एक बात पता चली कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस का, ध्यान देना, देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का रेट ज्यादा था किससे, न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस से, न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस से। ऐसा कब होगा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का रेट न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस से ज्यादा कब होगा, तो ऐसा तब होगा अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स में कैसा लिगेंड प्रेजेंट हो, बेसिक लिगेंड प्रेजेंट हो, कैसा लिगेंड प्रेजेंट हो, बेसिक लिगेंड हो, या फिर ये कह सकते हैं इफ लिविंग ग्रुप हैव प्रोटोनेशन टेंडेंसी, जो हम पढ़ चुके हैं, सही है। बेसिक हाइड्रोलाइसिस का रेट न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस से ज्यादा कब होगा, जब आपके पास बेसिक हाइड्रोलाइसिस का रेट न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस से ज्यादा कब होगा, अगर आपके पास लिविंग ग्रुप को छोड़ के बोले तो स्पेक्टेटर लिगेंड कैसे होने चाहिए, स्पेक्टेटर लिगेंड कैसे होने चाहिए हमारे पास, यानी कि एक स्पेक्टेटर लिगेंड कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट वन स्पेक्टेटर लिगेंड, एटलीस्ट वन स्पेक्टेटर लिगेंड इज प्रोटिक लिगेंड, कैसा होना चाहिए भाई, एटलीस्ट एक स्पेक्टेटर लिगेंड कैसा होना चाहिए, प्रोटिक, उसके पास प्रोटोन प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, बेस वहां से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर ले और हमारा बेसिक हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म फॉलो हो जाए, तो वहां पे हम कह सकते हैं बेसिक मीडियम का जो रेट होगा हाइड्रोलाइसिस का वो न्यूट्रल से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये दो बातें आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, अब मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, समझना है एक बार। अगर आपसे पूछा जाए, एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 6 साइनाइड है, -3 है, ये कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देना, समझना है एक बार, सुनना। दूसरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोबाल्ट है 5 अमोनिया है और Cl+2, ये दो कॉम्प्लेक्स हैं। पहले कॉम्प्लेक्स में हमने बात की, इसको हमने हाइड्रोलाइसिस की बात की, यहाँ पे ध्यान देना, pH 7 पे करवाया और pH greater than 7 पे करवाया,
यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 आया, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K2 आया। अब आपसे पूछा जाए तो बताइए K1 बड़ा होगा या K2 बड़ा होगा, ध्यान देना। तो सबसे पहली बात, आपको पता है बेसिक हाइड्रोलाइसिस को फॉलो करने के लिए एक लिगेंड हमारा ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट वन स्पेक्टेटर लिगेंड ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी, जिसके पास प्रोटोन प्रेजेंट हो। एक आपके पास कैसा होना चाहिए बेसिक हाइड्रोलाइसिस में, एक लिगेंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट हो या फिर प्रोटिक लिगेंड हो। साइनाइड की बात की जाए कोई प्रोटिक लिगेंड नहीं है ये, तो यानी कि कहने का मतलब चाहे रिएक्शन आप न्यूट्रल में करवाओ चाहे आप बेस की प्रेजेंस में करवाओ, रेट दोनों का हाइड्रोलाइसिस का क्या होगा, बराबर। दूसरी बात, ये एग्जांपल है, इजी एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार, ये बेहतरीन एग्जांपल है, सुनना। इसको हमने pH 7 पे करवाया, इसको हमने pH <7 पे करवाया और इसको हमने pH <7 पे करवाया। आपसे कहे कि यहाँ पे करवाते हैं तो रेट कांस्टेंट K1 आता है, यहाँ पे करवाते हैं रेट कांस्टेंट K2 आता है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K3 आता है। बताइएगा K1 K2 K3 में क्या रिलेशन होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, समझना। तो सबसे पहली बात तो आपको दिमाग में ये पता होना चाहिए न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस का रेट, सॉरी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का रेट हमेशा न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, ज़्यादा। बेसिक हाइड्रोलाइसिस का रेट हमेशा न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, ज़्यादा। देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक हाइड्रोलाइसिस रेट, यानी कि अगर बेसिक हाइड्रोलाइसिस के रेट को और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस के रेट को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इनका न्यूट्रल से क्या होता है, ज्यादा। सुनिएगा, सबसे पहली बात, अगर न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस की बात करें, K1 ये तो सिंपली डिसोसिएटिव से जाएगा, एसिडिक मीडियम की बात हो रही है तो चेक कीजिए क्या लिविंग ग्रुप के पास प्रोटोनेशन की होने की टेंडेंसी है। ओहो, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, बेसिक लिगेंड का बिहेव करेगा, प्रोटोनेशन होगा, HCl एलिमिनेट होगा, तो यहां पे तो Cl- ही एलिमिनेट हो रहा था, यहां पे HCl हो रहा, कौन जल्दी भागेगा, HCl। तो यहां से हम कह सकते हैं कि भाई साहब हमारी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो K2 K1 से क्या होगा, बड़ा। इसके बाद pH > 7 है, pH क्या है, > 7, pH > 7, अच्छा बेसिक हाइड्रोलाइसिस है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन होती है एटलीस्ट वन स्पेक्टेटर लिगेंड हमारा कैसा प्रेजेंट होना चाहिए, एक स्पेक्टेटर लिगेंड हमारा कैसा प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोटिक लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, और यहां पे अमोनिया है, 5 अमोनिया है, तो यानी कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां से आप क्या कहोगे, K3 भी न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस के रेट से क्या होगा, ज्यादा। तो करेक्ट आंसर पेपर में क्या देगा आपको, ऑप्शन बना के K1 > K2 > K3, ऑप्शन बनाएगा K1 = K2 = K3, ऑप्शन आपको बना के देगा यहां पे K3 should be > K2 > K1। तो सही करेक्ट ऑप्शन 4th नंबर क्या बनेगा भाई, जो K2 है ये भी बड़ा है K1 से और K3 भी K1 से बड़ा है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करोगे तो वहां पे भी आपको ये मेंशन करके दे रखा है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देता है तो वहां पे आपको अच्छे से एक एक बात को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद ध्यान देना, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, नेट के एग्जाम का ही है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड, सुनना भाई यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके नेट के एग्जाम में दिसंबर 2015 के अंदर क्वेश्चन आया गया था, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछी गई थी आपसे। पहला कॉम्प्लेक्स आपको दिया था कोबाल्ट साइनाइड का 5 Cl और यहां पे आपको मेंशन किया था 3-, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, पहला कॉम्प्लेक्स ये है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, हाँ ये रिएक्शन थी, क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आया था, क्वेश्चन आया था दिसंबर 2015 के अंदर, ध्यान देना भाई। क्वेश्चन क्या था आपको, ये कॉम्प्लेक्स आपको मेंशन करके दे रखा था और इसकी रिएक्शन करवाई है, रिएक्शन किसके साथ करवाई है, OH- के साथ, ध्यान देना, OH- के साथ रिएक्शन करवाई है। तो आपको पता है, तुरंत आपके दिमाग में चला गया होगा
कि यहाँ पे आपका OH माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस और यहाँ से Cl आपका एलिमिनेट हो गया, यानी कि यहाँ पे OH माइनस की यानी कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस की बात हो रही है यहाँ पे। OH माइनस जनरली यही बात करते हैं। अब आपको जो ऑप्शन दिए गए थे, आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन इट ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दूसरा ऑप्शन आपको मेंशन करके दिया था द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट, यानी कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स और OH माइनस। तीसरा आपको मेंशन करके दिया था इट फॉलो SN1CB मैकेनिज्म, इट फॉलो SN1CB मैकेनिज्म। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया था रेट इज डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, रेट इज ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये आपको चार ऑप्शन मेंशन करके दिए थे। तो ध्यान देना, आपको पता है OH माइनस के साथ रिएक्शन हो रही है, जनरली OH माइनस बेस लेते हैं, बेस वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तब आपके पास OH माइनस अटैक करता है। तो क्या यहाँ पे SN1CB मैकेनिज्म होगा? SN1CB मैकेनिज्म होने के लिए हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसके पास एटलीस्ट एक प्रोटिक लिगेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में कोई प्रोटिक लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि ये बेसिक हाइड्रोलाइसिस को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे बेसिक हाइड्रोलाइसिस का कोई इफेक्ट, बेसिक मीडियम का हाइड्रोलाइसिस पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट एक भी प्रोटिक लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको पता है किस मैकेनिज्म से जाता है? डिसोसिएटिव से जाता है। जब यहाँ बेसिक हाइड्रोलाइसिस फॉलो हुआ ही नहीं तो SN1CB तो होगा ही नहीं, रेट यहाँ पे बेस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, रेट OH माइनस पे डिपेंड करेगा ही नहीं। तो सिंपली दिस रिएक्शन गोज थ्रू डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? फर्स्ट। आज की क्लास का कंक्लूजन अगर मैं लेके आऊं तो भाई साहब, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस और बेसिक हाइड्रोलाइसिस हमने पढ़ा। तो सबसे पहली बात, एसिडिक और न्यूट्रल की बात करें, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, SN1 फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सही है। एसिडिक मीडियम का रेट कैसे इफेक्ट करता है उसका हमने काइनेटिक्स भी पढ़ा, और वो तभी अफेक्ट करेगा जब आपके पास एक बेसिक लिगेंड प्रेजेंट हो कॉम्प्लेक्स के अंदर, लिविंग ग्रुप हमारा कैसा हो, बेसिक या उसके पास प्रोटोनेशन होने की टेंडेंसी हो। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का रेट न्यूट्रल से क्या होगा? ज्यादा। दूसरी बात, बेसिक का न्यूट्रल हाइड्रोलाइसिस रेट कब ज्यादा होगा? जब कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट एक प्रोटिक लिगेंड प्रेजेंट हो, और वो भी कब? लिविंग ग्रुप को छोड़ के। तो यहां पे इस कॉम्प्लेक्स में लिविंग ग्रुप आपका क्या दे रखा है? क्लोरीन। तो यहां पे जो पांच थे, पांच के पांच स्पेक्टेटर लिगेंड कैसे हैं? प्रोटिक लिगेंड नहीं है। प्रोटिक लिगेंड होते तो ये फिर बेसिक हाइड्रोलाइसिस को फॉलो करता, मैकेनिज्म को फॉलो करता, SN1CB को फॉलो करता, तो फिर हम कहते हैं वहां रेट कॉम्प्लेक्स और OH माइनस दोनों पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रहे, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है कि पॉइंट, ये दो क्वेश्चन जो मैंने बताए लास्ट में इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल में आपके पास एग्जाम में पूछे गए हैं, सही है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बेसिक हाइड्रोलाइसिस में कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं, सही है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल 7 बजे। धन्यवाद।